राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रिया, प्रिया बिथखाना में आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह मैं लाई हूँ कुछ खास। तो बरसात आजकल चल रही है, सभी के यहाँ बारिश हो रही है, तो आज हम बनाएंगे गार्लिक बेस ब्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकतर आप लोग ये सोचते हैं कुछ बढ़िया सा चटपटा सा जल्दी से बन जाए, तो आप इसको ज़रूर बनाएं। एक बार आप ट्राई करके देखें, आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ एक प्याज ले लिया है, दो टमाटर ले लिए हैं, थोड़ा सा हमने यहाँ पर लहसुन लिया है। लहसुन को हम भून लेंगे, बहुत सारा नहीं पड़ेगा, इतना सारा थोड़ा कम ही पड़ेगा। एक हरी मिर्च ले ली है, थोड़ी सी हमने यहाँ पर नमकीन ले ली है, ये मार्केट की है। और थोड़ी सी हमने यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है, एक हरी मिर्च ली है, चटपटा अपने हिसाब से कर ले कम ज़्यादा। और थोड़ी सी हमने यहाँ पर टोमेटो सॉस ली है, और यहाँ पर थोड़ी सी हमने ग्रीन चिली सॉस ली है। और यहाँ पर मैंने दो से चार ब्रेड ले लिया, और ये बटर ले लिया है, कोई भी आप ब्रांड का बटर ले लें। सबसे पहले हम यहाँ पर लहसुन को थोड़ा सा भून लेंगे, तो इस तरीके से हम करके इसको भून लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर गैस को हमने ऑन किया, और इसमें हम लहसुन को भून लेंगे, बिल्कुल हल्की धीमी आंच में भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो धीमी हमने यहाँ पर आंच कर दी, और इसको हल्का हल्का सा भून लेंगे, देखिए इस तरीके से। बहुत ही अच्छी गार्लिक ब्रेड बेस बनेगी, आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। इस टाइम बरसात चल रही है, तो घर में ज़्यादा कुछ ये लगता है कि कुछ बनाओ, या कुछ अच्छा सा चटपटा सा हो, या कुछ मीठा सा हो, कुछ भी होना चाहिए। बरसात के टाइम में बैठो, बारिश होती है ना, तो अच्छा लगता है थोड़ा। तो हम सोचा क्यों ना चलो कुछ बनाया जाए, और तो हमने सोचा कुछ ना चलो ब्रेड वगैरह का कुछ ही बनाया जाए, नमकीन सा भी हो जाएगा और आप तक वीडियो भी पहुंच जाएगी। तो हमने सोचा गार्लिक ब्रेड बेस बना दें, तो बहुत ही इजी बनती है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। बस थोड़ा सा लहसुन भून जाए, उसके बाद फटाफट से सारे काम हो जाते हैं, जल्दी से बन भी जाती है, बच्चों को बड़ों को सभी को अच्छी लगती है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से हमने इसको भून लिया है, और जितना ये भुना हुआ है इन सबको हम निकाल लेंगे पीस। बहुत ही अच्छी बनती है, भुना हुआ जो लहसुन हो जाता है ना, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर में एक बार, बहुत ही अच्छा बनता है। पूरा नहीं डालना है, बस लहसुन इतना ही डालना है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो लहसुन का ज़्यादा यूज़ ना करें। तो फटाफट हम यहाँ पर इनको छील लेंगे, जब थोड़ा सा भुन जाता है ना, तो ये बहुत जल्दी छीलता है, और तो बिल्कुल महक भी अच्छी सी आने लगती है इसमें, तो समझ लो भुन गया अच्छी तरीके से, जब महक अच्छे से आने लगे। तो यहाँ पर सारे लहसुन की कलियाँ छिल चुकी हैं, अब हम यहाँ पर खलबट्टा रखेंगे, इसमें हम जो लहसुन की कली हैं इनको डाल देंगे, और इसमें हम बटर डालेंगे, बटर डाल देंगे, थोड़ा सा और डाल देंगे, थोड़ी सी हम यहाँ पर धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च भी काट लेंगे, आधी आधी ही काटनी है, और फिर चटपटा आप अपने हिसाब से जिस तरीके से करें, हमें थोड़ा सा चटपटा कम ही रखना है। आप अगर चाहें तो पूरी हरी मिर्च डाल सकते हैं, और हम इसमें चिली फ्लेक्स भी डालेंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा तीखा यहाँ पर कम किया है। आप चाहें तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर हम थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे। और अब इसको हम अच्छी तरीके से इस तरीके से मिला लेंगे, जिससे जो लहसुन वगैरह है बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाए। तो इसको हम बिल्कुल इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन जो होता है ना, उनको बिल्कुल बारीक कर लें, जिस तरीके से पेस्ट बनता है उस तरीके से। और यहाँ पर जो छोटी वाली टिक्की आती है बटर की, हमने वो पूरी ही डाली है, इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से मैश कर लेंगे। ये देखिए लहसुन हमने बिल्कुल बारीक कर दिया है, बिल्कुल भी कहीं भी पीस नहीं है, अच्छी तरीके से मैश हो गया है। तो इसको अब हम रखेंगे साइड में, और यहाँ पर हम प्याज और टमाटर को फटाफट से काट लेंगे। तो यहाँ पर हम प्याज को काट लेंगे, यहाँ पर गोल गोल नहीं काटेंगे हम, थोड़ा सा महीन करना है, तो बड़े बड़े पीस कर लेंगे, इसमें डाल देंगे एक साथ, कोई ज़्यादा ऐसा काम नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगे। और इसी में हम टमाटर डाल देंगे इस तरीके से, जल्दी जल्दी,
क्योंकि कभी कभी ये लगता है कि बस फटाफट से बन जाए और बस खाने को मिल जाए। में हरा धनिया डाल देंगे और जो आधी हरी मिर्च हमने बचा के रखी थी इसको यहाँ डाल देंगे और इसको फटाफट से हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फटाफट से सब्जी को बिल्कुल बारीक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बारीक सी सब्जी कट चुकी है चॉपर में। ये बहुत सही लगता है हमको फटाफट से महीन बारीक सब्जी कर लो। इसी में हम थोड़ा सा काला नमक ऐड कर देंगे और इसको चला लेंगे अच्छे से, क्योंकि फिर ऊपर से कोई भी नमक या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं डालना है, इसी में ही मिला लेंगे। इसको हम कर लेंगे एक बर्तन में और इसी में हम डालेंगे ये थोड़ी सी नमकीन। नॉर्मली सभी के घरों में ये नमकीन मिल जाती है, ये नहीं तो कोई और सी होती है। सभी के घर में नमकीन वगैरह नॉर्मली होती ही रहती है, ये नहीं कि होना ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पता चलता है जब होती नहीं है ना तो अधिकतर उन्हें के गेस्ट आ गए या कोई आ गया। अधिकतर मेरे साथ यही होता है, जब चीज़ ना हो तो समझो कोई ना कोई आना है उस दिन, और जब रखी रहती है तब कोई नहीं आता है। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है ऐसा। तो ये देखिए इसमें हमने इसको डाल दिया है और अब हम यहाँ पर ले लेंगे ब्रेड। तो सबसे पहले हमने जो ये पेस्ट बनाया था ये हम लगाएंगे ब्रेड में। अच्छे से पूरे में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। अच्छे से लगा देंगे पूरे में और फिर इसको ब्रेड को थोड़ा सा साइड में रखेंगे। देखिए पूरे में बहुत बढ़िया तरीके से लगा दिए। और इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस। झटपट से बन जाती है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़े या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर इसी में ऊपर से थोड़ी सी हम लगा देंगे रेड टोमेटो सॉस। और यहाँ पर हम इसको फिलिंग को भर देंगे। झटपट से बन गई ना बिल्कुल बेज गार्लिक ब्रेड, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। और बहुत जल्दी बन जाती है, आप इसको बाहर बहुत महंगे प्राइस में खाएंगे, घर पर ही बना लें उससे अच्छा। तो और इसमें हम ऊपर से थोड़ी सी लगा देंगे टोमेटो सॉस। थोड़ी सी यहाँ पर हम ग्रीन चिली सॉस लगा देंगे फटाफट से पूरे में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप जरूर घर में ट्राई करें अपनी। और इसको इस तरीके से भर देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे जिससे ये चिपक जाए नीचे अच्छे से। ये देखिए कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी भी फिल कर लेंगे। पूरे में बढ़िया से लगा लेंगे अदरक लहसुन और जो बटर का पेस्ट बनता है ना वो वाकई में बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। अगर आप नहीं भी अगर टमाटो वगैरह या प्याज वगैरह नहीं डालना चाहें तो आप ऐसे ही गार्लिक ब्रेड बना के खाएं ना, तब भी बहुत टेस्टी बनता है। दूसरी ब्रेड में हम यहाँ सॉस लगा लेंगे फटाफट से, वही जिस तरीके से लगाया था उसी तरीके से। देखिए अच्छे तरीके से भर दी है और यहाँ पर इस ब्रेड में भी हम लगा देंगे टोमेटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस फटाफट से। ये देखिए और इसको भी इस तरीके से रख देंगे अच्छे से प्रेस कर देंगे कि जिससे थोड़ा सा चिपक जाए। देखिए ब्रेड तैयार है यहाँ पर, अब हम इनको सेकेंगे।
और यहाँ पर हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे पूरे में, क्योंकि हम दोनों ब्रेड एक साथ ही सेक लेंगे, अलग अलग नहीं सेकेंगे। और अब हम ब्रेड को यहाँ पर रखेंगे, ब्रेड को हम पहले इस साइड रखेंगे जिससे ये अच्छे से सिक जाए। ये देखिए, और इसमें हम ऊपर से भी गार्लिक पेस्ट लगाएंगे। पूरे में लगा देंगे दोनों में। तो यहाँ पर हम पलट कर देख लेंगे, ये देखिए सिकने लग गई है, इसको भी हम पलट देंगे। और दोनों साइड हमने गार्लिक लगा दी है, और दूसरी साइड भी पलट के देख लेंगे। ये देखिए ऊपर से दोनों साइड गार्लिक लगाई है मैंने, इसको पलटेंगे। दोनों साइड ही लगे हैं, इसको अच्छे से सेक लेंगे। और इसको पलटते जाएंगे, बिल्कुल कुरकुरा सा कर लेंगे, बढ़िया सा। ये देखिए सिकने लग गई है। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखें, अगर हाई फ्लेम पर करेंगे ना तो बहुत जल्दी सिक जाएगी, और पता चला वो जलने लग जाए फिर टेस्ट बहुत बढ़िया नहीं आ पाता है। इसको हम सेक लेंगे बढ़िया से। तो ये देखिए ब्रेड बहुत ही अच्छी तरीके से सिक चुकी है, और अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसको पलट के देख लेंगे, देखिए कितने अच्छे से सिक गई है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बढ़िया सी ब्रेड सिक गई है, और इसको हम काट लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है ना, एकदम भरी भरी सी। ये देखिए ये भी कितनी अच्छी एकदम से बढ़िया सिकी है, बढ़िया बनी है। अंदर देखो फिलिंग कितनी अच्छी है। यहाँ पर हमने एक प्लेट ले ली है, उसमें हमने टोमेटो सॉस रखा है, और अब हम इसमें रखेंगे ब्रेड। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, वाकई में आप कहेंगे वाकई में बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरे यहाँ ये सबको बहुत अच्छी लगती है, और अधिकतर हम बनाते रहते हैं। तो हमने सोचा आज कुछ ऐसे ही बैठे थे, तो हम सोचा कुछ हल्का सा बना दें, आप लोगों तक वीडियो भी पहुंच जाए, आप लोग भी बना लें। और बारिश का टाइम चल ही रहा है, तो आप लोग भी खा सकते हैं ये अपने ही घर में ही बना के। गार्लिक बेस ब्रेड आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है ना ऐसा, कुछ इंग्रीडियंट्स वगैरह वैसे बाहर ही पड़े हैं जो आपको मंगाने पड़े हों या कुछ ऐसा हो, घर में ही सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं और इजी बना सकते हैं। आपके पास अगर खीरा वगैरह नहीं है तो आप नॉर्मली प्याज टमाटर से भी बना सकते हैं, जो चीज़ नहीं है आप उसको स्किप करके आराम से बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।